उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा बरेली के सर्किट हाउस में पहुंचे और भाजपा के कोर ग्रुप मंडल प्रभारी व मंडल अध्यक्षों के साथ विकास कार्यों पर चर्चा की और सुझाव सुने। इस दौरान केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके, इसके लिए सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को जागरूक भी किया। अरे बरेली के विकास के बारे में पूछो पहले यहाँ, चलो पहले आप अपना सब बताइए सर। हाँ, बरेली में सर कैसा दौरा हुआ क्या? देखिए, सभी जो हमारे ब्लॉक हैं उनकी जो विकास की समीक्षाएं हम लोग कर रहे हैं। सरकार की मंशा है कि जो गांव में जो पात्र लोग हैं अलग अलग योजनाओं के, जो गरीब कल्याण की योजनाएं केंद्र की राज्य की चल रही हैं, 100% पात्र लोगों तक उनका लाभ पहुंचे। डिजिटली पहुंच रहा है, पंचायतों को और हम लोग थोड़ा मजबूत करना चाहते हैं। पंचायत सेक्रेटरी पंचायतों पर बैठे, आज ही हमने जिलाधिकारी बरेली को आदेशित किया है, आज रोस्टर बन जाएगा, कल से सभी पंचायत सेक्रेटरी अपनी अपनी पंचायतों में बैठेंगे। केंद्र की राज्य की जो योजना है उनका लाभ 100% लोगों के घरों तक पहुंचे डिजिटली माध्यम से, यह सुनिश्चित होगा। दूसरा, पंचायतों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को लेकर गांव से लोग तहसील तक ना पहुंचे, जिला मुख्यालय तक ना पहुंचे, क्योंकि जब समस्याओं का समाधान ही अगर पंचायत स्तर पर होगा तो किसी भी किसान को, गाँव के लोगों को तहसील तक आने की आवश्यकता नहीं होगी। दूसरा, वैक्सीन को लेकर एक बड़ा अभियान हमारा चल रहा है, उसमें पंचायत सेक्रेटरियों के माध्यम से हम लोग गांव में एक जागरूकता का अभियान भी चला रहे हैं, क्योंकि इस कोविड से बचने का, क्योंकि कोविड अभी गया नहीं है, कोविड अभी है हमारे आसपास ही घूम रहा है, उसको पूरी तरह से नष्ट करने के लिए, समाप्त करने के लिए एक वैक्सीन सबसे बड़ा कारगर हथियार है। आपको याद होगा जब पहले फेस में जब कोविड आया था हम बहुत हद तक अपना बचाव कर पाए, और फिर वैक्सीनेशन का अभियान चला, जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीन का प्रोटोकॉल तय किया, जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं सबसे पहले हमने उनको प्राथमिकता में रखा, खासतौर से जो मेडिकल स्टाफ है हमारा उनको रखा, अन्य अन्य जो विभाग के लोग हैं चाहे किसी विभाग के लोग, उन सबका टीकाकरण हुआ। परिणाम ये हुआ कि सेकेंड वेव में आपने देखा होगा बहुत अच्छे से जो हमारा मेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, वो ठीक से लोगों को उपचार दे पाए, लेकिन जो लहर थी वो भयंकर थी, बहुत ख़राब थी, और हमने बहुत अपने लोगों को खोया, और जिन लोगों ने वैक्सीन लगवा ली थी वो बचे। इसलिए वैक्सीन इसका एक कारगर उपाय है कोविड को समाप्त करने का, तो इसलिए वैक्सीन भी अधिक से अधिक संख्या में लगें। हर ब्लॉक पर हमारे लगभग 6-7 सेंटर काम कर रहे हैं, तीन या चार हमारे मोबाइल सेंटर काम कर रहे हैं, CSC PSC पर हमारे सेंटर हैं, वहाँ हम लोग वैक्सीनेशन का काम कर रहे हैं, तो ये इसको और व्यवस्थित रूप से हर गाँव में वैक्सीनेशन को लेकर थोड़ा एक सकारात्मक अभियान रहे, ये भी एक हमारा लक्ष्य है। आने वाले समय में समृद्धशाली गांव से ही समृद्धशाली कमिश्नरी बनती है, और उससे समृद्धशाली कमिश्नरी से ही समृद्धशाली प्रदेश बनता है, और प्रदेश से फिर देश बनता है, तो उसी दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं। बहुत काम केंद्र की सरकार ने किया है, राज्य की सरकार ने किया है, और उससे कोई वंचित ना रहे ऐसा प्रयास भी हमारा है।